कोई है उसी जगह मारेगा। दो लोग, बड़े लोग बुरा काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा करते हैं सर, ये लोग जो आपस में लड़ते हैं सर, सवाल थोड़ा सा टफ है आपका, मैं जानता हूँ, इसलिए टफ है कि मैं अभी शुरुआती पीरियड में हूँ और मुझे लगेगा कि मैं पहाड़ से लड़ने वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जवाब दूंगा सर। खेसारी लाल यादव हुए या पवन सिंह हुए, ये तो गए थे दर्शकों का प्यार लेने के लिए, वहां पे पत्थर चला। मन के सवरिया बन गई लू तो चुपके से का कहलू तो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए गायक विकास पंडित जी, तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार विकास भाई। नमस्कार सर, आपको और आपके तमाम दर्शक को जो अभी ये सब देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। विकास जी, काफ़ी पहले आपसे मुलाकात हुई थी, चर्चा की थी और काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या आप सक्रिय नहीं है लगातार? जी मैं सक्रिय हूँ, लेकिन जब आपका शुरुआती समय होता है उस टाइम आप समझ सकते हैं सर, थोड़ी सी दिक्कत आती है, सभी तरह की दिक्कत आती है, सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का। अभी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से और कहाँ कहाँ से हैं? सर अभी मैं लालटेन में, लालटेन म्यूजिक के में जो है परमानेंट मुझे कर दिया गया है। और परमानेंट मतलब कि एग्रीमेंट वगैरह? जी सर, लालटेन म्यूजिक मेरे पे विश्वास जताई है और मुझे भी लालटेन म्यूजिक पे विश्वास है और इसमें अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है कि अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे कर लेना चाहिए। कितने दिनों का एग्रीमेंट है? एक साल का है सर। अक्सर जो सिंगर हैं डरते हैं, जब से कुछ और सिंगरों का ऐसा विवाद सामने आया है कि एग्रीमेंट करा के लोग फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, एक बार एग्रीमेंट कर दिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आप बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर आपने ये सब चीज़ बिना देखे कैसे एग्रीमेंट कर लिया? आपको ट्रस्ट है यहाँ पे? सर एग्रीमेंट में फंसाने का कोई मुझे मसला नहीं लगता है, क्योंकि एग्रीमेंट में कंपनी का हित लिखा हुआ है तो मेरा भी हित लिखा हुआ है और टाइम भी बाउंडेड है, तो मैं तो ये कहूँगा किसी को लगता है कि एग्रीमेंट में फंसाना नहीं है, मैं मुझे लगता है कि फंसाना नहीं है, इसमें आप दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और अभी जो आप बात कर रहे हैं इससे ना तो कंपनी मुकरे और ना सिंगर मुकरे, इसलिए उसी चीज को लिख के कानूनन रख लिया जाता है। एक साल में कितने प्रोजेक्ट आपके होंगे लालटेन फिल्म से? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? जी अनलिमिटेड सर। तो इसके एवज में आपने कुछ पैसे भी दिए होंगे अगर आप खुलासा करना चाहें तो? नहीं ब, 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 पैसे का नहीं है, उन्हें मेरे आवाज़ पे विश्वास है। हमारा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था सिंगिंग का और उसमें मुझे आप कह सकते हैं कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ पे मतलब आपकी आवाज़ और टैलेंट के दम पे आपको सेलेक्ट किया गया है। जी सर। चलिए आगे हम चर्चा को और बढ़ाएं, इससे पहले कोई एकाध गाना जो आपके दिल के करीब हो प्लीज़। मन के सवरिया बन गई लू तो चुपके से का कहलू तो, नस नस में तू गईलू समाय, डाल देलू परेशानी में गजब के रोग धरा, दिहलू हे रानी हमके जवानी में। और कोई गाना जो आप गा के सुनाना चाहें, कोई और पसंदीदा गाना आपका? इसी का अंतरा एक सुना देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक ठीक ठीक। हो लागल बा तोहरे से मन के लगनवा, तोहरे में बसे लागल बा मुर परनवा, बन के रसीली रस गईलू तो दिलवा के भीतरी में बस गईलू तो, तोहरा सिवा कुछ हो ना बुझाए, बोला प्रेम कहानी में गजब के रोग धरा, दिहलू हैरानी हमके जवानी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं इसलिए यह सवाल बनता है, अभी आए दिन आप देख रहे हैं ऐसी घटना कि भोजपुरी के सुपरस्टार जैसे कि पवन सिंह के ऊपर बलिया में पत्थर से देखा आपने किस तरीके से उनके ऊपर फेंका गया और वहाँ पे स्टेज में किस तरीके से फिर पूरी घटना हुई। अब इसके बाद कल ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर भी झारखंड में गए थे, वहाँ भी उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंका गया और उनके साथ में जो डांसर थी उनको चोट लग गई सर पे, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह हुआ, हॉस्पिटल टाइप का भी सीन हो गया वहाँ पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सर ये सवाल थोड़ा सा टफ है आपका, मैं जानता हूँ। इसलिए टफ है कि मैं अभी शुरुआती पीरियड में हूँ और मुझे लगेगा कि मैं पहाड़ से लड़ने वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जवाब दूंगा सर। सवाल है तो जवाब देना जरूरी है। मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं लोग जो नीचे बैठे हुए हैं वो हमारे सिनेमा वालों के लिए वो भगवान है, देवता हमारे वही हैं, और उनके मन में आपके लिए एक लंबे टाइम से बुरा धारणा बनता है, और ये बड़े लोग हैं, इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए सर कि हम स्टेज पे क्या कर रहे हैं, या फिर हम बड़े लोग पीछे क्या कर रहे हैं। हम जब कोई दो लोग बड़े लोग बुरा काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा करते हैं सर, तो दोनों की बात सुनी जाती है, आपको लगता है मैं सही और उनको लगता है मैं सही, लेकिन जो पब्लिक बैठी हुई है उन्हें लगता है कि कौन सही। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पत्थरबाजी हुई है पवन सिंह के स्टेज में बलिया में और कल झारखंड में खेसारी लाल यादव, इन दोनों के विवाद की वजह से पत्थरबाजी हुई है? जी सर, मुझे लगता है, मेरा जितना मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये लोग जो आपस में लड़ते हैं, ये दर्शक इन लोगों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहते सर। दोनों को, दोनों लोग या फिर कोई भी है, स्टार बनाने वाले वह है, वो देवता हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हो। तो सर आप लोग से, आप दोनों ही हमारे बड़े भैया हैं, आपसे ये कहूँगा कि आपस में आप लोग कभी भी ऐसे ना करें। अगर कुछ बात हो जाती है तो सर प्लीज़ बंद कमरे में बैठ जाइए दोनों लोग, और इसको मामला को मीडिया तक नहीं आने दीजिए प्लीज़। तो ये कहाँ से इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि वो दोनों लड़ते हैं तो उनको पत्थर से मारा जाए? जी, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है इस बात को, ये गलत है। आपको नहीं लगता कि इससे भोजपुरी कलाकारों को फिर असुविधा खेद होगी, ऐसे में वो प्रोग्राम ही करने नहीं जाएंगे फिर वहाँ पे, क्योंकि अगर उन्हें सुरक्षा ही नहीं मिलेगी इस हिसाब से, और सुरक्षा दी भी कैसे जाए? एक ट्रेंडिंग स्टार है, लाखों लोग पहुँच जाते हैं, और वो एक पावर स्टार है, वहाँ भी लाखों लोग पहुँच जाते हैं, लाखों लोगों की चेकिंग कैसे होगी? पत्थर कहाँ से आ रहा है कैसे पता चलेगा? आपको लगता क्या है कि जानबूझ के कुछ उपद्रवी लोग हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, या फिर जो आप बता रहे हैं इन दोनों की लड़ाई की वजह से चीज़ें होती हैं? सर दोनों ही बात मिला के है, दोनों बात मिला के। एक क्या होता है सर, आप कई बार देखिए सर, एक गाली, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक गाली पांच लोग को देके आप देखिए, सिंगल गाली एक ले लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, बुरी बात है, नहीं देना चाहिए, आप एक सिंगल गाली उठा के और पांच लोग को दीजिए, पांचों जगह से अलग अलग रिएक्शन आएंगे सर। पांचों, कोई है सुन के चला जाएगा, इग्नोर कर देगा, कोई बात नहीं मुझे नहीं सुनना है, कोई है कहेगा क्या दिए हो तुम, गाली दिए हो क्या, कोई है ऊपर चढ़ता चला जाएगा, कोई है आपको गाली ही देगा, कोई है उसी जगह मारेगा। तो सर है कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके उस बात के रंजिश में वैसा कर देते हैं, ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, कुछ ही लोग हैं। और सर अगर मान लीजिए कहीं प्रोग्राम हो रहा है, एक एक पत्थर ही चल गया, तो मीडिया में तो आ जाता है पत्थर चला है, और नहीं होना चाहिए। ये सब बड़े स्टार हैं, आप सम्मान करिए इनका, और ये हम आपके अंदर कहते हैं कि कलाकार जो होते हैं आम आदमी के जीवन में से तकलीफ को निकालने के लिए बना होता है, संगीत भी इसीलिए बना हुआ है। खेसारी लाल यादव हुए या पवन सिंह हुए, ये तो गए थे दर्शकों का प्यार लेने के लिए कि वहां पे पत्थर चला, और आपके हिसाब से इन दोनों के विवाद की वजह से ऐसा हो रहा है कि उधर भी पत्थर चल रहा है इधर भी पत्थर चल रहा है, आप इससे सहमत है कि ये विवाद ही है या कुछ और रीजन है? सर ये मैंने पहले भी बोला था और अभी भी कह रहा हूँ कि सर मेरा ये अंदाजा है, आपका अंदाजा है कि लोगों की लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ सर, मुझे लगता है कि लोग जो है ना रंजिश में ऐसे करते हैं, दोनों को प्यार करते हैं लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी विभाग तरीके से हमसे बात की। अब लालटेन फिल्म्स में आपका नया सफर शुरू हो रहा है, आपने एग्रीमेंट किया है, और आई होप यहाँ से आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि काफी सालों से आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अब उम्मीद है कि यहाँ से आप नई उड़ान भरेंगे? जी सर, मुझे पूरा उम्मीद है, और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लोगों को भी मेरे से उम्मीद है, यहाँ जो भी लोग हैं जैसे कि राजमंगल सर हैं, और भी बहुत सारे कई सारे लोग हैं जो मतलब बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्रवाई किया जा रहा है। तो आपके प्रोजेक्ट कब तक यहाँ से आ जाएंगे? सर आज मेरा काम शुरू हो चुका है, रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है? जी अभी अभी भी मेरा रिकॉर्डिंग है, मैं अभी रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, और दो दो राइटर लगे हुए हैं, डेली गाना लिखा जा रहा है, और लगातार ही प्रोजेक्ट है सर। तो कब तक लालटेन फिल्म से आपके प्रोजेक्ट में फिर भी एक हफ्ता दस दिन कब तक आ जाएगा? मेरा मुझे लग रहा है कि सर वो दूसरी टीम है जो रिलीज का काम करती है, लेकिन मेरे तरफ से संडे को एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। आज कितने गानों की रिकॉर्डिंग है यहाँ पे? आज एक गाने की है सर। तो गाना अभी रिकॉर्ड आप करेंगे ना? जी जी, सब कुछ काम हो गया है, बस रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइटर वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड है, या फिर गाने वगैरह आपको लिखवाने पड़ते हैं बाहर से? नहीं सर, सब चीज कंपनी की तरफ से प्रोवाइड, सब कुछ, मतलब गाना भी लिख के मिलेगा, सारा कुछ काम धाम यहीं पे होगा? जी सर।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया, तहे दिल शुक्रिया। और फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि अब लालटेन फिल्म से आप उड़ान भरिए, और जितना स्ट्रगल किया हो तो ठीक है, लेकिन अब एक जगह टिक के आप आगे कामयाब होइए। बहुत बहुत शुक्रिया।